भारतीय सिनेमा हास्य के बिना अधूरा है। ये वाक्य भारतीय सिनेमा में हास्य और हास्य कलाकारों के महत्व को पूरी तरह से परिभाषित करता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय सिनेमा की पड़ोसन और गोलमाल जैसी वो फिल्में, जिनमें से अगर हास्य को हटा दिया जाए तो सितारों और चकाचौंध से भरी ये दुनिया नीरस नजर आने लगेगी। महमूद और जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों से शुरू हुआ हास्य का ये सफर आज भी बदस्तूर जारी है, जिसमें समय समय पर कई अभिनेताओं ने अपने आप को स्थापित किया है। आज के इस एपिसोड में हम बॉलीवुड के ऐसे ही एक हास्य अभिनेता की बात करने वाले हैं, जिसने अपनी अदाकारी से कई पीढ़ियों के चेहरों को रोशन करने का काम किया था। नाम है देवेंदु वर्मा, जिन्हें हम देवेन वर्मा के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 23 अक्टूबर 1936 में चांदी के व्यापारी और बाद में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बने बलदेव सिंह वर्मा के घर मुंबई में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया देवेंदु वर्मा। देवेन वर्मा के पिता राजस्थान के रहने वाले थे और इनकी माँ सरला देवी का जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ था। देवेन वर्मा अपने पिता की 5 संतानों में इकलौते बेटे थे, जिनकी 2 बड़ी बहनों के नाम निरूपमा और तुषार वर्मा हैं। इसके अलावा देवेन वर्मा की 2 छोटी जुड़वा बहनें भी हैं, जिनके नाम अमिता और पारुल हैं। देवेन वर्मा ने अपनी पढ़ाई पूना के नवरोज बाड़िया कॉलेज से पूरी की थी, जहां पढ़ाई करते समय देवेन स्टेज शोज में हिस्सा लेने लगे थे, जो शायद उनके फिल्मी करियर की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम था। देवेन के मन को थिएटर की दुनिया में सुकून मिल रहा था और मंचन को ही वो अपनी जिंदगी मान चुके थे, लेकिन उनके माता पिता अपने बेटे को कानून का रखवाला बनाना चाहते थे। अपने माता पिता की बात मानकर देवेन वर्मा ने लॉ की पढ़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन एक कलाकार सिर्फ किताबों में फंस कर कब तक रह सकता था। देवेन का मन उचटने लगा और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद देवेन वर्मा एक ड्रामा ग्रुप से जुड़ गए, जहां एक्टर जॉनी विस्कीबीन के साथ थे। यहां देवेन वर्मा कई बड़े अभिनेताओं की मिमिक्री किया करते थे। ऐसे ही एक नाटक के दौरान जब देवेन वर्मा परफॉर्म कर रहे थे, उस समय दर्शकों की भीड़ में बैठे हुए थे भारतीय सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर BR चोपड़ा, जो उस समय अपनी फिल्म धर्मपुत्र पर काम कर रहे थे। BR चोपड़ा ने देवेन को देखा और उनकी अदाकारी से प्रभावित होकर फिल्म धर्मपुत्र में उन्हें 600 रुपए में साइन कर लिया। साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म धर्मपुत्र को पार्टीशन पर बनी पहली फिल्म का दर्जा दिया जाता है, जिसमें शशि कपूर ने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था। धर्मपुत्र फिल्म के फ्लॉप होने के बाद देवेन वर्मा अपने स्टेज शोज की तरफ मुड़ गए और विदेशों में मंचन करने लगे, और जब वापस आए तो ABM स्टूडियो ने इन्हें 1500 रुपए की सैलरी में नौकरी पर रख लिया। ABM स्टूडियो में काम करते समय देवेन वर्मा मद्रास गए, जहां इन्होंने अपनी एक्टिंग की प्रतिभा को तराशना भी जारी रखा। साल 1963 में इनकी फिल्म गुमराह ने पर्दे पर दस्तक दी, जिसमें इनके साथ अशोक कुमार भी काम कर रहे थे। फिल्म गुमराह के बाद देवेन वर्मा को 2 में से किसी एक रास्ते को चुनना था, जिसमें से पहला रास्ता मद्रास की ओर जा रहा था, जहां वो अपने हुनर को अधिक निखार सकते थे, और दूसरा रास्ता उन्हें मुंबई ले जा रहा था, जहां कई फिल्में उनका इंतजार कर रही थी। देवेन वर्मा ने मुंबई को चुना और 1964 में मुमताज के साथ फिल्म कवाली की रात में काम किया। इसके बाद साल 1966 में देवर और अनुपमा जैसी फिल्मों में काम करने के बाद देवेन वर्मा ने एक अच्छे अभिनेता के तौर पर खुद को स्थापित कर दिया। साल 1961 में शुरू हुआ यह सफर 1975 में एक नया आयाम स्थापित करने वाला था, जहां इन्हें फिल्म चोरी मेरा काम के लिए पहली बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद तो बस फिल्म वालों की एक भीड़ इनके बाहर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। किसी को भी मना ना कर पाने के अपने स्वभाव के चलते इन्होंने एक साथ 16 फिल्में साइन की और उन पर काम करना शुरू कर दिया। देवेन वर्मा ने अपने करियर के समय का जिक्र करते हुए कहा था कि उन दिनों में रात के समय फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग मुंबई में करता था, फिर सुबह फ्लाइट पकड़कर हैदराबाद जाकर प्यासा सावन की शूटिंग करता था, और वहाँ से निकलकर 4 बजे दिल्ली जाता, जहाँ यश चोपड़ा की सिलसिला का काम चल रहा था, और रात को फिर से आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ता था। देवेन वर्मा 1969 में आई फिल्म यकीन से एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी सामने आए, जिसके बाद नवीन निश्चल और आशा पारेख के साथ फिल्म नादान में देवेन वर्मा प्रोड्यूसर के अलावा डायरेक्टर के तौर पर भी नजर आए थे। देवेन वर्मा ने अपने करियर में भारतीय सिनेमा के कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है, जिसमें अशोक कुमार के अलावा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बेशरम और मिथुन चक्रवर्ती के साथ 1979 में आई फिल्म दाना पानी भी शामिल है। अशोक कुमार के साथ काम करने के दौरान देवेन वर्मा कई बार उनके घर भी जाया करते थे, जहां उनकी मुलाकात अशोक कुमार की बेटी रूपा गांगुली से हुई और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। जब बात शादी करने की आई तो अशोक कुमार ने मना कर दिया, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अशोक कुमार की बड़ी बेटी भारती ने भी एक गुजराती डॉक्टर से शादी की थी। 2 साल बाद भी जब अशोक कुमार ने देवेन और रूपा
गांगुली के रिश्ते को हाँ नहीं कहा तो किशोर कुमार ने इन दोनों को एक करने का जिम्मा अपने सर ले लिया और दोनों की सगाई करा दी। सगाई के बाद अशोक कुमार ने भी हाँ कह दिया और इस तरह से देवेन वर्मा को साल 1967 में रूपा गांगुली के रूप में अपना हमसफर मिल गया। देवेन वर्मा ने अपने 45 सालों के करियर में बहुत सी फिल्मों में काम किया है जिसमें गोलमाल, खट्टा मीठा, अंगूर, खामोशी, चोर के घर चोर, अंदाज अपना अपना और दिल तो पागल है जैसी फिल्में शामिल हैं। इनमें से अंदाज अपना अपना, अंगूर और गोलमाल जैसी फिल्मों को आज भी भारतीय सिनेमा की बेहतरीन हास्य फिल्मों में गिना जाता है। 1982 में गीतकार गुलजार साहब के निर्देशन में बनी फिल्म अंगूर में देवेन वर्मा ने संजीव कुमार के जुड़वा नौकरों का किरदार निभाया था जिसमें देवेन की मासूमियत ने सबको इनका मुरीद बना दिया था। ये फिल्म 1968 में आई दो दूनी चार का रीमेक थी जिसमें किशोर कुमार और असित सेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बिमल रॉय के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में गुलजार साहब स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर जुड़े हुए थे। देवेन वर्मा को अपने करियर में 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया जिसमें चोरी मेरा काम के अलावा चोर के घर चोर और अंगूर भी शामिल हैं। लेकिन एक बार जब इनकी पत्नी को फेफड़ों की बीमारी लगी तो डॉक्टर ने रूपा गांगुली को मुंबई की हवा से दूर ले जाने की सलाह दी जिसके बाद देवेन वर्मा चेन्नई आ गए। कुछ समय बाद जब वापस देवेन वर्मा मुंबई आ रहे थे तो इस दौरान उनका वो बैग खो गया जिसमें इनके 3 अवार्ड रखे हुए थे। देवेन वर्मा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी जैसी कई रीजनल भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। साल 2001 में देवेन वर्मा ने हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया जिसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि मैं नई पीढ़ी के अभिनेताओं के साथ काम करने में खुद को असहज महसूस करता हूं और नए लोगों के काम करने का तरीका मुझे रास नहीं आता। इससे जुड़ा एक किस्सा बताते हुए देवेन वर्मा ने कहा था कि एक बार जब वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान एक महिला असिस्टेंट सिगरेट पीती हुई इनके पास आई और चुटकी बजाते हुए कहा, चलिए सर आपका शॉट रेडी है। ये बात देवेन वर्मा को नागवार गुजरी और मेरे यार की शादी है और कलकत्ता मेल जैसी फिल्मों के बाद खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया। 2 दिसंबर 1912 को अशोक कुमार की बेटी और इनकी साली प्रीति गांगुली का निधन हो गया था जिसकी खबर मीडिया में आते ही लोगों ने देवेन वर्मा को शोक संदेश भेजने शुरू कर दिए। लोग प्रीति गांगुली को देवेन वर्मा की पत्नी मानने लगे थे जिसके बाद देवेन को खुद सामने आकर ये यकीन दिलाना पड़ा कि उनकी शादी रूपा गांगुली से हुई है जिन्होंने कभी भी फिल्मों में काम नहीं किया है। इस घटना के ठीक 2 साल बाद 2 दिसंबर 2014 को इस महान अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नारा टीवी इस महान अभिनेता को शत शत नमन करता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।